द सीनियर इंडियंस के इस 100वें एपिसोड में, 100th एपिसोड में आपका सभी का स्वागत है। 100 एपिसोड लगातार करना इतना आसान नहीं होता है, ये हमको अनुभव से ही आइडिया आया है। हर हफ्ते रेगुलरली हम आपके लिए ये प्रोग्राम प्रोड्यूस करते हैं, और सबसे बड़ा सहकार रहता है जय भाई ठाकर का, जो रेगुलरली अपने फिल्मों के बारे में व्यूज़ भेजते रहते हैं। तो सबसे पहले उन्हीं का भेजा हुआ जो है इस 100 एपिसोड के लिए एक स्पेशल एपिसोड देखा जाए, छोटा सा ही है, चलिए देखते हैं। नमस्ते मित्रों। कभी कभी मुझे ये पूछा जाता है कि मैं कौन सी फिल्म के बारे में बात करूं, ये मैं कैसे तय करता हूं। तो मैं तो कैसे करता हूं कि हर साल की फिल्में देखता हूं, और जिन फिल्मों के बारे में मुझे मालूम हो, पता हो, उसके बारे में मैं बोलता हूं। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि जो बहुत बढ़िया थी मगर मैं उस जमाने में देख नहीं पाया था, उनको फिर पहली बार देखता हूँ और फिर उसके बारे में बात करता हूँ। कभी कभी ऐसी फिल्में कि जो मैंने बहुत साल पहले देखी थी, ऐसी फिल्मों के बारे में मैं फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, फिल्म देखता हूँ और फिर उसके ऊपर आपसे कुछ बात करता हूँ। तो ये मैं करता हूँ। मुझे कोई ख़ास ज़्यादा रिसर्च वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यूट्यूब पर बहुत कुछ मिलता है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि मैं फिल्म देख के सिर्फ फिल्म देखी और बात ख़त्म ऐसा नहीं करता। पहले से ही मुझे शौक़ है फिल्मों का, तो मैं एक्टिंग के बारे में, कैमरा कैसे चला था उसके बारे में, डायलॉग कैसे थे, कितना ड्रामा था, कितना मेलो ड्रामा था, वो आखिर में जो उसका जो फिनाले जो होता है, जो अंत होता है, वो किस तरह से उन्होंने ऐसे तोड़ फोड़ के बिठा दिया है या फिर लॉजिकल उसका एंड है, ये सब मैं देखता हूँ और उसके बारे में मैं हो सके तो आपसे बात भी करता हूँ। तकलीफ ये है कि सिर्फ 4 मिनट होती है मेरे पास। कुछ फिल्मों के लिए 4 मिनट बहुत है क्योंकि वो फिल्म इतनी अच्छी नहीं होती मगर कुछ फिल्म ऐसी होती हैं बढ़िया, जैसे कि देवदास थी, मुसाफिर थी, आने वाली फिल्मों में अनुपमा होगी, अनाड़ी होगी, ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं कि जो 8, 10, 15 मिनट तक आप उसके ऊपर बोल सकते हैं, मगर फिर क्या होता है कि फिर वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। और मैं कोई इतना एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि मैं इतनी सारी बात इतने सारे समय तक करता रहूँ और आपका इंटरेस्ट जारी रहे, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 3-4 मिनट ठीक है, आदमी देख सकता है। मैं कैसा भी बुरा बोलता हूँ, कितना भी मेरा ठीक से नहीं है साउंड वगैरह, फिर भी आप 3-4 मिनट मुझे सह सकते हैं, उसके बाद लंबा हो गया है ना। तो ये मेरे मुझे जो पूछे जाते हैं इन सवालों का जवाब है कि मैं फिल्म को बहुत अलग अलग तरीके से देखता हूँ और आपको बात करता हूँ मैंने किस तरह से, मेरा अभिप्राय क्या है, मैं क्या सोचता हूँ उस फिल्म के बारे में। तो ये हुई बात फिल्मों की। गानों की बात भी मैं इसलिए हमेशा करता रहता हूँ कि भारतीय फिल्मों में, हर भारतीय फिल्म में गीत और संगीत बहुत 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 मायने रखते हैं। हिंदी फिल्मों में देखिए ना आप, कितनी ऐसी फिल्में हैं कि जो सिर्फ गीतों पर चली है, मैजू बावरा, हरियाली और रास्ता, नवरंग, कुछ और भी था उनमें, मगर सबसे ज्यादा उनकी खूबी थी गाने, संगीत। तो ये सब इकट्ठा करके फिर मैं आपसे बात करता हूँ और आपको सुनाता हूँ मेरी कहानी, ठीक है? नमस्कार। कम सितंबर, अभी महीना चल रहा है सितंबर का, तो इस मूवी को याद किया जाए। ये मूवी 1961 में आई थी, मतलब 63 ईयर्स हैव गॉन बाय, और खूब चली थी। पर्टिकुलरली इसका जो म्यूज़िक था, पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, जो भी अब अच्छा तरह कहेंगे, तो लोग उसी पे थिरकते रहते हैं जगह जगह पे।
तो ये कुछ सीनियर सिटीजन जो हैं इकट्ठे हुए हैं ग्राउंड में, और उसी म्यूजिक पे थिरकने, आपको आनंद आएगा ये देख के। कम सितंबर 1961। अगला वीडियो है किसी सीनियर सिटीजन से पंगा लेने का नहीं। ये एक वार्निंग है हर एक के लिए कि किसी सीनियर सिटीजन को हल्के में ना लिया जाए। मे बी इट ए लेडी और ए जेंट। चलिए देखते हैं, आपको भी आनंद आएगा। I am 83 years old. I was in the McDonald's drive-through this morning. The young lady behind me leaned on her horn and started mouthing some ugly things because I was taking too long to place my order. So when I got to the first window, I paid for her order along with my own. The cashier must have told her what I had done because as we moved up, she leaned out her window and waved to me as she began mouthing, "Thank you, thank you," probably feeling embarrassed that I had repaid her rudeness with kindness. When I got to the second window, I showed the server both receipts and I took her food too. Now she has to go back to the end of the queue and start all over again. Don't blow your horn at old people. We've been around for a long time. Is that good or what? I love it.